फ्रेंड्स, केम छो, मजा में छो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपका एक्स या आपका प्रेजेंट पास्ट। आज मैं बताऊंगी आपको, या कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। आज हम इस चीज की रीडिंग कर लेते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सॉरी फ्रेंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, The Empress, King of Swords, very good, okay, Five of Swords, bottom में है Nine of Wands, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो 100% ये आपकी रीडिंग है, वरना आप छोड़ सकते हैं ये रीडिंग। मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइन वालों का है ये रीडिंग, जो रेजोनेट करे, सारे साइन है इसमें। तो देखिए, मुझे अभी तक ये कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट पर्सन है ना, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। चॉइसेस होगी आपके पास। जो पर्सन काफी ज्यादा भाव खाए थे पास्ट में, जिस पर्सन ने आपको काफी ज्यादा तंग या परेशान किया है, जैसे मेरी फैमिली है, ये है, वो है, दुनिया भर का आपको बहाना बनाया था, ये पर्सन एक्सक्यूजेस देते थे आपको, काफी ज्यादा भाव खाए हैं, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपको काफी परेशान किया है, इस पर्सन ने हमेशा आपको हमेशा ही तंग किया है। अभी हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या ब्लॉक ना किया हो, आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, लड़ाई करते हैं, सो जाते हैं। कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स खुद पर फोकस करेंगे, खुद पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, हाँ, खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है मेरे व्यूअर्स ने। और जब तक आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद की वैल्यू समझ रहे हैं, तो आपके पर्सन तो आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, अगर आप करेंगे अपनी वैल्यू को रियलाइज कि आप क्या हो, आप एक मल्लिका हो, किंग हो, क्वीन हो, आप बहुत कुछ हो, इनको आपकी वैल्यू रियलाइज होगी, और ये आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पर्सन पास्ट में काफी कंफ्यूज थे कि इनको क्या करना चाहिए, जिस पर्सन ने आपको ऑप्शंस की तरह रखा, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और जब तक ये आ रहे हैं तब तक आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब यह पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट ये पर्सन करने लगे हैं, आपकी वर्थ पता चल रही है इस पर्सन को कि आप इनके लिए कितना मायने रखते हैं, कितना ज्यादा वैल्यू रखते हैं। आप जिनकी भी लाइफ में रहेंगे ना व्यूअर्स, बहुत ज्यादा लक आएगा उसकी जिंदगी में, आप लकी चाम है उनके। आप काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं आप व्यूअर्स, आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हैं, कोई कमी नहीं है आप में। आप जिनके पास भी रहेंगे उसका तो लक ही निकल के आएगा, आपका पर्सन को एहसास होगा कि ये पर्सन लाइफ, आपकी पर्सन को एहसास होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इनको एहसास होगा कि ये आप इनकी लाइफ में लकी चार्म हो, तो ये वापस आएंगे लौट के। तब क्या होगा पता है, आप इन्हें आसानी से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेल्फ लव करना सीख गए हैं, आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पास चॉइसेस होंगी, न्यू पर्सन या फिर लाइफ में यह पर्सन भी होंगे। आपके पर्सन के अलावा और भी कई
आपके पर्सन के अलावा और भी कई पर्सन होंगे आपके लाइफ में, सिर्फ दो चॉइसेस नहीं होंगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लाइफ में आपके। आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कि आपको एक्स को लेना चाहिए या नेक्स्ट को लेना चाहिए। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और आप सही डिसीजन लेंगे। आपके पर्सन काफी ज्यादा आप में चेंजेस देखकर काफी ज्यादा परेशान होंगे, आपको खुद देखकर थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योर होने वाले हैं काफी ज्यादा। इसको क्या हो गया, क्या से क्या हो गई, ये क्या से क्या हो गई, कुछ ऐसा होगा, काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। और जो पर्सन आज तक आपको भाव दिखा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये पर्सन आपके पीछे दौड़ेंगे, ये पर्सन आपके पीछे दौड़ेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहेंगे। आपको यह प्रपोजल एक तो आपके पर्सन की तरफ से मिलेगा और आपको न्यू पर्सन की तरफ से भी मैरिज प्रपोजल मिलेगा। देखिए जरा आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगी, ये देखिए पेज ऑफ कप्स। आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट होने वाला है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपकी लाइफ में एक्स भी दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट भी दिखाई दे रहे हैं। जो न्यू पर्सन होंगे आपकी लाइफ में वो काफी ज्यादा शर्मीले होंगे आपके लिए, वो भी आपसे सच्चा प्यार करेंगे। आई थिंक वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, जैसा आप हो। आप क्या हो, आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हो, आप काफी ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो। आपके होने वाले हस्बैंड की फीलिंग्स भी वैसी रहेंगी जैसे आप हो। ये पर्सन की तरफ से भी आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, समझ रहे हैं दोस्तों, आपको भी अनकंडीशनल लव मिलेगा इनसे। अगर आप न्यू पर्सन को भी चूज करते हैं तो वो आपका सही डिसीजन हो, वो आपका सही डिसीजन होगा, आपका राइट डिसीजन होगा, क्योंकि न्यू पर्सन भी आपसे बेहद प्यार करेंगे, बहुत ही ज्यादा प्यार, आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। वो आपका, आपको फैसला करना होगा कि आपको क्या चूज करना है, एक्स या नेक्स्ट को। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, स्टक महसूस करेंगे। आप मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्टक हैं इस सिचुएशन में। आपको ये लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बढ़ ही नहीं पाएंगे, इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, फिर भी आप इन पर स्टक हैं, इस सिचुएशन में स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ऐसा लगता है आप आने वाले दिनों के में आप आगे बढ़ेंगे, आप खुद की वैल्यू करेंगे, तब जाकर आपको आपके एक्स भी और नेक्स्ट भी मिलेंगे। जो पर्सन न्यू पर्सन होंगे उनकी तरफ से भी आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि काफी ज्यादा ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, और इमोशंस के मामले में भी ये पर्सन काफी ज्यादा ओपन होंगे, यानी कि काफी ज्यादा प्यार करेंगे आपको, आपसे आपकी तरह ही अनकंडीशनल लव करेंगे। मेरे कई व्यूअर्स एक्स को और कई व्यूअर्स नेक्स्ट को लाइफ में लेंगे, इसके बारे में हम यूनिवर्स से पूछते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यह तब होगा आपकी लाइफ में जब आप किसी को माफ कर देंगे, पास्ट को क्लीन कर देंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, ठीक है। फ्लावरिंग, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, पास्ट को टोटली क्लीन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। आपकी जिंदगी जब पूरी तरह से फल फूल जाएगी, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, फ्लावरिंग करेंगे अपनी लाइफ को। और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। द बर्डन, आप काफी ज्यादा बर्डन हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे और आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। और देख लेते हैं ब्रेक थ्रू, ओके ब्रेक थ्रू आ रही है आपकी लाइफ में, काफी ज्यादा अच्छे दिन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप खुश हो जाइए। और देख लेते हैं क्या कहते हैं, कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। इनर वॉइस, इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, एंजल्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। मेरे कई व्यूअर्स को एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, एंजल्स नंबर देखने का मतलब ये भी होता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सेल्फ लव करना है आपको, इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है आपको,
जब आप सेल्फ लव करेंगे तभी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, वाओ, जो आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं आपकी लाइफ में आपके पर्सन वापस आएंगे, तो यस, ये पर्सन वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या, मुझे न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चॉइसेस होंगी आपके पास फ्रेंड्स, चॉइसेस होंगी आपके पास, आप किसे चूज करेंगे ये आपके पास चॉइसेस होंगी फ्रेंड्स। यूनिवर्स के मैसेजेस हैं कि आपके लिए जो आपका है, यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल ही जाएगा, पर फ्रेंड्स डिवाइन टाइमिंग पर। आपको अपने आप पर फोकस करना होगा और अच्छी सोच और अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे कार्य या अच्छे कर्म कीजिए, ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको चुंबक की तरह बनना है। मतलब सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं आपको यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स। आपके लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे, बट जब तक आप खुद पर फोकस करेंगे तब तक आप सेल्फ लव करेंगे। मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स, प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा स्टक हैं, आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यह कहना चाहती है कि ध्यान कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, आप थोड़ा सा यूनिवर्स से बात कीजिए, यूनिवर्स के साथ समय बिताएं, उन्हें अपनी मुश्किलें बताएं, एफर्मेशंस कीजिए, जो एफर्मेशंस करते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, उनका साथ यकीन कीजिए, वो ही होता है जो वो एफर्म करते हैं, और एफर्म हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए। ओके, मुश्किलें बताएं यूनिवर्स को अपनी, खुद को हील करने में मदद मिलेगी। आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, कम से कम 10 मिनट। तो ये थी आज की रीडिंग दोस्तों, आपको कैसी लगी आप बताइए। छोटी सी रीडिंग थी, सब कुछ बता दिया है मैंने। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद ऑल आता है, ऑल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो में डाल दूंगी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, पेड है। और टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स, बेसिक और एडवांस जो आप चाहें कर सकते हैं, वो भी फ्री नहीं है, पेड है, वो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।